What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 19 नवंबर 2019 ट्यूसडे है, सुबह के 8 बज रहे। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा काफी एक स्लगिश मोमेंटम था निफ्टी इंडेक्स में। कल से लोकसभा का विंटर सेशन शुरू हो गया, तो उसके ऊपर भी नजर बनाए रखे। कल पहला ही दिन था, हंगामे के साथ बंद हुआ। 23 बिल पेंडिंग है, काफी सारे बिल पेंडिंग है। तो इस बार कितने बिल पास होते, प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये सेशन काफी अहम है इकोनॉमी के लिए, इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो देखना होगा इस सेशन में, विंटर सेशन में कितने बिल पास होते, कौन से बिल पास होते, या फिर विपक्ष ये व्यक्तिगत मुद्दे उठाकर हंगामा करके ये टाइम को यहाँ पर खराब कर देगा। तो इस सेशन के ऊपर भी नजर बनाए रखे, काफी अहम है। निफ्टी इंडेक्स में ऊपरी लेवल पे एक सुस्ती देखने को मिल रही है ट्रेडिंग के लिहाज से, वहां पर एक पॉज लिया है। तो अभी एक रेंज यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ऊपर 12,000 और नीचे 11,800, इन 200 पॉइंट के अंदर ही ये ट्रेड हो रहा है लास्ट टू वीक से। तो अभी क्या निफ्टी में आज के लिए इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन इससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। यह एक पिक्चर है कल का, यानी 18 नवंबर, आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है। कल के वीडियो का अगर आपको लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,915 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,879। निफ्टी इंडेक्स जैसे कि आप इस 10 मिनट के चार्ट में देख रहे, ये ब्रेकआउट लेवल के पास ही एग्जैक्ट यहाँ पर ओपन हुआ और कुछ ही मिनटों में, 5 मिनट के अंदर ही हमारा फर्स्ट टारगेट 11,933 ये यहाँ पर अचीव हुआ। और इसके आसपास इसने ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हुआ। और अब ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट भी ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हुआ था। कल निफ्टी इंडेक्स ने 11,867 का लो लगाया और इसी लेवल के पास ये दिन भर पेनेट्रेट होते रहा। काफी स्लगिश मूवमेंट था। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 9,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के भी हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक फिर से एक बार हरे निशान में बंद हुए। और यूरोपियन मार्केट देखे तो तीनों भी, लंदन मार्केट, फ्रांस मार्केट और जर्मन मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। जर्मन और फ्रांस मार्केट लाल निशान में बंद हुए। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स निगेटिव ट्रेंड यहाँ पर दिखा रहा है और चाइना और हांगकांग मार्केट में ये बढ़त देखने को मिल रही है, घरे निशान में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है इस समय और एक्सजेएक्स निफ्टी 34 पॉइंट के गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। हमेशा की तरह वीकली चार्ट से शुरू करेंगे, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पर ये हमने जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया है, तो एज पर वीकली चार्ट 11,870 का जो ये सपोर्ट बना हुआ है, ये यहाँ पर ये तीसरा वीक है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसके नीचे ये क्लोज नहीं हो पा रहा है। अभी सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन हुआ इस वीक का। लास्ट टू वीक्स यहाँ पर दो बार धोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है, यानी वीकली चार्ट हमें ये दिखा रहा है कि ऊपर के लेवल पे इंडिसिसिव पैटर्न है, ना बुल्स जीत रहे ना बेयर्स जीत रहे। तो यहाँ पर 11,870 का एज पर वीकली चार्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये ब्रेक होता है तो हमें नीचे में 11,720 के पास नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल हो सकता है। ऊपर 12,000 का हर्डल है, 12,000 के ऊपर अभी तक वीकली चार्ट में क्लोज नहीं मिला है। तो 12,000 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है और उसके बाद कोई एक डिसीजिव मूव आती है तो हमें और भी निफ्टी इंडेक्स में टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ नए टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट का सिनारियो। अभी डेली चार्ट में चलते हैं। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में लैगिंग इंडिकेटर मैगडी, लेकिन काफी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी जीरो लाइन के ऊपर है, हालांकि इसने निगेटिव क्रॉसओवर दिखाया, लेकिन प्राइस एक्शन में अभी तक कंटिन्यू लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न नहीं चल रहा है, ना ही हायर हाई हायर लो का पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं।
जैसे यहाँ पर हायर आए हायर लो का पैटर्न कंटिन्यू हो रहा था, उसी तरह से यहाँ पर ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ना ही लोअर हाई लोअर लो, ये जो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का ये जो एक्शन होता है प्राइस एक्शन, ये यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनडिसिसिव पैटर्न देखने को मिल रहा है और ये यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे सकता है कि 11,870 ये यहाँ पर काफी स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है। ये ब्रेक होने के बाद नीचे इमीडिएट 20 ईएमए का सपोर्ट होगा जो कि अभी फिलहाल 11,787 के पास है। तो ये यहाँ पर दो स्ट्रांग सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ 12,000 का रेजिस्टेंस का लेवल होगा। तो ये है अभी तक का निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट का एनालिसिस। चलते 60 मिनट के चार्ट में आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले कि यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हो सकता है ऐसा कहा जा सकता है, ये जस्ट एनालिसिस है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न क्रिएट हो सकता है, ये लेफ्ट शोल्डर और ये हो सकता है हेड, और यहाँ पर ये हो सकता है उसका लेफ्ट राइट शोल्डर। तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर से अगर निफ्टी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर मूव करता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये बुलिश पैटर्न फॉर्म हो, और इसके बाद अगर ये नेकलाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू हो सकता है। तो ये लेकिन अभी फिलहाल एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को देखते हैं कहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल्स हो सकते हैं। अगर निफ्टी इंडेक्स कल का ये जो लो है, निफ्टी इंडेक्स ने कल ये जो लो बनाया 11,866, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके एक यहाँ पर ये छोटा सा बाउंस बैक दिखाया, तो ये क्रूशियल लेवल है ब्रेकडाउन लेवल शॉर्ट पोजीशन करने के लिए। तो यहाँ पर 11,866 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,852 जो कि पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है, और सेकेंड टारगेट होगा ये 100 ईएमए का ग्रे लाइन, ये इसके पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है पास्ट में, ये आप देख सकते हैं। अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर ये देखिए क्लियरली यहाँ पर दो बार इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। तो 11,830 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा अगर निफ्टी इंडेक्स 11,866 को ब्रेक करता है तो, और अगर ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस लेवल को कल एक रेंज में ट्रेड हो रहा था इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त, ये ऊपर का रेंज है इसका, ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा था। तो इस कैंडल का हाई यानी 11,904 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,919, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,931 जो कि पिवट पॉइंट का R1 का लेवल है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।